देखो कंगना रनौत वैसे तो विवादों का नाम कंगना रनौत है। इन्होंने एक पीछे मूवी बनाई है, उसके अंदर जो हमारे सिख करेक्टर्स हैं या सिखों के साथ संबंध कुछ चेहरे हैं उनको बड़े नेगेटिव उसमें शो किया। और हमारे जो काल तख्त साहब हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो सिखों के जो हमें रहनुमाई देते हैं अकाल तख्त साहब, उनको डाउनग्रेड करने की इन्होंने कोशिश की थी। उसके तहत हमने फिर जब इनका वो ट्रेलर देखा जिसके अंदर उन्होंने अकाल तख्त साहब और अकाल तख्त साहब के जथेदार को बड़े गलत ढंग से पेश किया, उसके फिर हमने क्रिमिनल कंप्लेंट यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट के डाली थी 20-8 को चंडीगढ़ रोड, हाँ जी, अंडर सेक्शन 196 पार्ट 1, 197 पार्ट 1, 302, 299 ऑफ BNSS जो है वो हमने कंप्लेंट फाइल करी थी, जो जिसकी आज सुनवाई थी। और आज सुनवाई के बाद जो कोर्ट ने इसमें नोटिस किया कंगना रनौत जो इसकी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारा कुछ खुद ही है वो, और साथ में जो स्क्रीन प्ले रितेश शाह और जी स्टूडियो जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, इन तीनों को पेश होने के लिए समन किया। कौन सी डेट है? 5/12 को इनको यहाँ पे इन पर्सन पेश होना है ताकि कोर्ट की जो अगली कार्रवाई शुरू हो सके, जो हमने एविडेंस है वो इनके शुरू हो सके, जो इनकी हाजिरी में ही जो गवाहियाँ हैं, जो अपना एविडेंस है इनकी हाजिरी में आगे हो सके। देखो कंगना रनौत वैसे तो विवादों का नाम कंगना रनौत है। इन्होंने एक पीछे मूवी बनाई है, उसके अंदर जो हमारे सिख करेक्टर्स हैं या सिखों के साथ संबंध कुछ चेहरे हैं उनको बड़े नेगेटिव उसमें शो किया। और हमारे जो काल तख्त साहब हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो सिखों के जो हमें रहनुमाई देते हैं अकाल तख्त साहब, उनको डाउनग्रेड करने की इन्होंने कोशिश की थी। उसके तहत हमने फिर जब इनका वो ट्रेलर देखा जिसके अंदर उन्होंने अकाल तख्त साहब और अकाल तख्त साहब के जथेदार को बड़े गलत ढंग से पेश किया, उसके फिर हमने क्रिमिनल कंप्लेंट यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट के डाली थी 20-8 को चंडीगढ़ रोड, हाँ जी, अंडर सेक्शन 196 पार्ट 1, 197 पार्ट 1, 302, 299 ऑफ BNSS जो है वो हमने कंप्लेंट फाइल करी थी, जो जिसकी आज सुनवाई थी। और आज सुनवाई के बाद जो कोर्ट ने इसमें नोटिस किया कंगना रनौत जो इसकी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारा कुछ खुद ही है वो, और साथ में जो स्क्रीन प्ले रितेश शाह और जी स्टूडियो जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, इन तीनों को पेश होने के लिए समन किया। कौन सी डेट है? 5/12 को इनको यहाँ पे इन पर्सन पेश होना है ताकि कोर्ट की जो अगली कार्रवाई शुरू हो सके, जो हमने एविडेंस है वो इनके शुरू हो सके, जो इनकी हाजिरी में ही जो गवाहियां हैं, जो अपना एविडेंस है इनकी हाजिरी में आगे हो सके।